उषा 2 महीने की बीमारी की छुट्टी के बाद पहली बार ऑफिस जा रही थी। उषा की देवरानी ज्योति ने अपने हाथों से उषा के लिए टिफिन तैयार किया था। वो किचन से बाहर आते हुए बोली, उषा भाभी आपका टिफिन। ज्योति तुम सचमुच बहुत अच्छी हो। उषा ने टिफिन बॉक्स हाथ में लिया और ज्योति को गले से लगा लिया और अतीत में खो गई। ज्योति छोटे से गांव से मुंबई के पौश इलाके में बहू बनकर आई थी। जैसे ही ज्योति अपनी इकलौती जेठानी उषा के पैर छूने के लिए झुकी, ओह व्हाट इज दिस, ये किस जमाने में जी रही हो, गंवार कहीं की, आजकल कोई पैर छूता है क्या? आजकल तो हाय हेलो और हग करने का जमाना है, लगता है ये लड़की एजुकेटेड भी नहीं है। जीती रहो ज्योति बहू, उषा इतना भी क्या गुस्सा, तुम जेठानी हो अपनी देवरानी को कम से कम आशीर्वाद तो दे देती। आपके लाडले की पसंद है, मेरी नहीं, मैं तो ऐसी देवरानी बिल्कुल भी नहीं चाहती थी जिसे। बस करो उषा बहू, नई बहू से कुछ तो प्रेम भावना रखो। मिन्नी अगर आ जाती तो फिर देखते जान छिड़क देती, पलके बिछा देती अपनी देवरानी के लिए। उषा पैर पटकती हुई कमरे में चली जाती है। उषा चाहती थी कि उसके देवर राहुल की शादी उसके मामा की इकलौती बेटी मिनी से हो जाए, पर राहुल नहीं माना। मिनी हाईफाई सोसाइटी की थी, परंतु जब राहुल ने सीधी साधी गांव की लड़की ज्योति से शादी कर ली तो उषा जल भुन कर रह गई। उषा एक सरकारी बैंक में नौकरी करती थी, सो वो हमेशा अपना टिफिन खुद बनाकर सुबह 9 बजे अपनी स्कूटी से बैंक चली जाती थी और शाम को 5 बजे के आसपास लौटती थी। उषा ज्योति से इस कदर नाराज थी कि वो उसके हाथ की चाय तक नहीं पीती थी। उषा भाभी ये मैंने भिंडी की सब्जी बनाई थी, अगर आप कहते तो मैं गरम गरम रोटी सेक कर आपका टिफिन पैक कर दूं। कोई जरूरत नहीं है मेरे लिए खाना बनाने की, भगवान ने मुझे हाथ दिए हैं कि मैं अपना खाना खुद बना लूंगी, मेरे ऑफिस जाने के बाद जिसका मर्जी बनाती रहना। तुम्हें क्या होता जा रहा है उषा, इस तरह से बात करते हैं क्या? तुम अगर हमारे बीच में नहीं बोलो तो ही अच्छा है, तुम्हारे ऑफिस के कपड़े निकाल कर रख दिए हैं, मैं जा रही हूँ। सुशीला ये उषा बहू का इस तरह से ज्योति बहू के साथ व्यवहार ठीक नहीं है। ज्योति मैं जानती हूँ बहू, उषा बहू का बर्ताव तुम्हारे साथ अच्छा नहीं है, वो मुंबई शहर की पली बढ़ी है, शुरू से मॉडर्न सोसाइटी में रही है, इसलिए उसका स्वभाव शुरू से ऐसा है। हम भी उसे ज्यादा कुछ नहीं कहते हैं, उसके जो जी में आए वो करती है, लेकिन तुम चिंता मत करो, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। उषा के तेज तर्रार स्वभाव से उसके सास ससुर भली भांति परिचित थे, सो वे हमेशा खामोशी रहते थे। एक शाम तो उषा ने हद ही कर दी, अरे आना गर्मा गर्म अदरक वाली चाय पीकर जाना। नमस्ते मीनल दीदी, उषा भाभी आप लोग बैठिए, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। नमस्ते नमस्ते, अच्छा तो ये है तुम्हारी देवरानी, अरे तुम कहाँ जा रही हो उषा, ये बना तो रही है चाय। भाई पिज्जा चौमिन माइक्रोवेव में गर्म करके ला रही हूँ। ज्योति को दे दो वो गर्म कर लाएगी। ज्योति, अरे मीनल ये हमारी तरह स्मार्ट शहर वाली नहीं है, ये गांव की गंवार है, मैं शायद थोड़ा ज्यादा बोल रही हूँ पर सची तो है, इसने कभी माइक्रोवेव देखा तक नहीं था, ये भला इस्तेमाल करना क्या जानेगी। ज्योति एक संस्कारी लड़की थी, इसलिए उसने उस वक्त चुप रहना ही ठीक समझा। उषा बात बात पर ज्योति को ताने देती थी, पर घर में कलेश ना हो इसलिए ज्योति चुप रहती थी। वो नहीं चाहती थी कि उसे कोई ये कहे कि उसके आने के बाद घर में कलेश हो गया है। पर एक शाम नौकरी से लौटते वक्त किसी टेम्पो ने उषा की स्कूटी को पीछे से जोर से टक्कर मार दी और किसी भले व्यक्ति ने अपनी कार से उषा को नजदीक के अस्पताल में पहुंचाया। जी आप राकेश बोल रहे हैं? आपकी पत्नी के आधार कार्ड से आपका नाम और पता मिला है, आपकी पत्नी उषा जी का एक्सीडेंट हो गया है, आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए। माँ उषा। क्या हुआ राकेश बेटा, कुछ तो बोलो। क्या हुआ भैया, भाभी ठीक तो है? ज्योति माँ उषा का एक्सीडेंट हो गया है, हमें अस्पताल पहुंचना है। ज्योति मैं गाड़ी निकालता हूँ, तुम भी मेरे और भैया के साथ चलो। सब लोग अस्पताल पहुंचते हैं। घबराने की कोई बात नहीं है, उषा जी इस वक्त आईसीयू में है, वो अभी बेहोशी की अवस्था में है, कुछ देर में उन्हें होश आ जाएगा। हेलमेट की वजह से उनके सर में कोई चोट तो नहीं आई, मगर उनके हाथ और पैर में गहरी चोट लगी है,
फ्रैक्चर भी हो सकता है। कुछ ही देर में उषा को होश आ गया। डॉक्टर, अब भाभी कैसी है? मैंने एक्सरे रिपोर्ट देख ली है। उषा जी के दाएं हाथ और बाएं पैर में फ्रैक्चर है। उन्हें करीब एक सप्ताह अस्पताल में रहना पड़ेगा। उषा, अब कैसा महसूस हो रहा है? दर्द बहुत है राकेश, पता नहीं वो टेम्पो वाला कैसे पीछे से। अरे मेरी प्यारी भाभी, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ ही दिनों में आप बिल्कुल अच्छी हो जाओगी। राहुल सही कह रहे हैं भाभी, देखना आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। ज्योति अस्पताल में दिन रात उषा की सेवा में लगी रही। उषा उसे अपनी देखभाल करते देख रही थी। दो सप्ताह के बाद उषा को अस्पताल से छुट्टी मिली और वो घर पर आई। भगवान का लाख लाख शुक्र है, तुम सही होकर अपने घर वापस आ गई बहू। जीती रहो बहू, भगवान तुम्हें हर मुसीबत से बचाए। उषा के हाथ और पैर पर प्लास्टर था। ज्योति ने उषा से कहा, भाभी अब आप अपने लिए पानी का गिलास तक नहीं भरोगी। डॉक्टर ने वैसे भी आपको पूरे 2 महीने आराम करने की सलाह दी है, फिर आपके एक हाथ और एक पैर पर प्लास्टर चढ़ा है, इसलिए आपको अब आराम की सख्त जरूरत है। आज से आप मुझे कोई भी और किसी भी प्रकार का काम करने के लिए कहने में कोई संकोच नहीं करोगी, ऐसा मुझसे वादा करो। ज्योति मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें न जाने क्या क्या कहा और तुम्हें बेवजह परेशान भी बहुत किया। तुम पिछले 2 सप्ताह से सब कुछ भुलाकर मेरी सेवा में समर्पित हो गई। इतनी सेवा तो कोई अपना भी नहीं करेगा। तुम्हें इस घर में आए अभी 6 महीने ही हुए हैं, पर तुमने अपनी मृदुल वाणी और विनय भाव से हम सबका दिल जीत लिया। मुझे राहुल की पसंद पर गर्व है। ज्योति तुमने तो हम सबका दिल जीत लिया। मेरी प्यारी देवरानी मुझे माफ कर दो। उषा भाभी आप बड़ी बहन के समान हैं, जिसे अपनी छोटी बहन को डांटने और फटकारने का हक तो होता है ना, फिर भला मुझे बुरा क्यों लगेगा? आप माफी की बात करके मुझे शर्मिंदा ना करें। ज्योति ने अपनी जेठानी उषा को गले से लगा लिया। अरे भाई, देवरानी और जेठानी का प्यार हो चुका हो तो मुझे और राहुल को जोर की भूख लगी है। सचमुच भैया, बहुत जोरों की भूख लगी है। आज मेरे सब बच्चों के लिए मैंने खाना बनाया है, जल्दी से आ जाओ। माँ जी आप इन सबको खाना परोसिए, मैं उषा भाभी के लिए सब्जियों का सूप बनाकर लाती हूँ। ये लो भाभी, गरम गरम सूप थोड़ा और पी लो, बस एक चम्मच और। बस और नहीं, मेरा पेट भर गया। अरे भाभी आप कहाँ खो गई हो, अब तो मेरा हाथ छोड़ो ना, आपने कब से इसे कस कर पकड़ रखा है। आपको बैंक जाने में देर हो रही है, टिफिन तो मेरे हाथ में ही है, फिर आपका पेट कैसे भर गया? ओह सॉरी ज्योति, मैं तो अतीत में पहुंच गई थी। थैंक यू मेरी प्यारी देवरानी, मेरा इतना ध्यान रखने के लिए। मेरी प्यारी जेठानी जी के लिए तो जान भी हाजिर है, बाय, ध्यान से जाना। और उषा फिर एक बार ठीक होकर अपने पति राकेश के साथ ऑफिस के लिए निकल पड़ती है। लेकिन उसकी आंखों में आज अपनी देवरानी ज्योति के लिए जो सम्मान था वो अमूल्य था। अरे जरा आराम से खाओ रवीना, खाना गले में अटक जाएगा। नहीं मैं लेट हो रही हूँ मम्मी, आपको क्या पता मुझे कितना काम होता है। हाँ हाँ मुझे सब पता है, पूरे ऑफिस की जिम्मेदारी बस मेरी बहू पर ही तो है। हाँ और नहीं तो क्या, ग्रोवर एंटरप्राइजेज में हेड क्लर्क होना कोई छोटी बात है क्या? कमला के 2 बेटे थे, बड़ा बेटा रवि और उसका छोटा भाई कवि। रवि भी अपनी पत्नी रवीना की तरह एक फैक्ट्री में क्लर्क था, जबकि छोटा कवि अभी कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था और अभी कुमारा ही था। फिर उसी शाम, उफ लाइट नहीं है क्या मम्मी? नहीं बेटा, तुम्हारे आने से बस मिनट पहले गई है। ओफो क्या किस्मत है मेरी, एक तो इतनी गर्मी और ऊपर से ऑफिस में इतना सारा काम, फिर घर आओ तो लाइट भी नहीं होती। कोई बात नहीं बेटा, लाइट आ जाएगी थोड़ी देर में। पास ही बैठे कवि ने जब ये सब देखा तो उसने तुरंत कहा, भाभी क्यों ना हम एक इन्वर्टर ले लें, उससे हर वक्त पंखा भी चलता रहेगा और माँ को भी अंधेरे में मोमबत्ती जलाकर रसोई में खाना नहीं बनाना पड़ेगा। हाँ तो एक काम क्यों नहीं करते देवर जी, आप भी पैसे कमाने लग जाओ, फिर खरीद लेना एक बढ़िया सा इन्वर्टर। फरमाइशें करना आसान होता है पर उन्हें पूरा करने की कुव्वत भी होनी चाहिए, समझे? असल में रवीना एक नंबर की घमंडी लड़की थी। वो दिखने में जितनी गोरी और सुंदर थी उसका मन उतना ही काला था। रवीना का जवाब सुनकर कवि चुप ही रह गया। रवीना का कवि को इस तरह झिड़कना कमला को भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन घर में लड़ाई ना हो इसलिए वो भी चुप ही रही और ना ही इस बारे में अपने बड़े बेटे रवि से कुछ कहा। फिर अगली सुबह, अरे बेटा रवि। हाँ माँ बताओ।
बेटा वो कवि को अपने कॉलेज की फीस देनी है तो। हाँ माँ, मुझे याद है कहाँ वो, जरा बुलाओ तो उसे। हाँ कवि बेटा, जल्दी यहाँ, भैया ने बुलाए है। जी भैया। हाँ भाई हीरो, कितनी फीस देनी है और कब तक देनी है ये भी बता दे। भैया एक सेमेस्टर की जाएगी, 15,000। ठीक है, मैं शाम को एटीएम से लेते आऊंगा पैसे, तब तक एक काम कर। ये कहते हुए रवि ने अपनी जेब से 100 रुपए का नोट निकाला और कवि की तरफ बढ़ा दिया। कवि ने भी खुशी खुशी वो नोट ले लिया। उधर अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ी रवीना ये सब देख रही थी। उसने फौरन आगे बढ़कर कहा, हाँ हाँ उड़ाओ उड़ाओ, पैसे तो पेड़ पर लगते हैं ना, यहाँ तो भरत मिलाप हो रहा है ना, तभी तो राम जी छोटे भाई पर जायदाद लुटाए जा रहे हैं। रवीना क्या बोल रही हो, जाओ जाकर अपना काम करो। काम करती हूँ तभी ये घर चलता है, वरना तुम्हारी सिर्फ 18,000 की तनख्वाह से नहीं चलने वाला ये घर। पूरे महीने मेहनत करके मैं कमाती हूँ पूरे 25,000 रुपए, तब जाकर खर्चे पूरे होते हैं। पता नहीं पापा ने मेरी शादी कहाँ करा दी, आई डिजर्व समथिंग बेटर। इतना कहकर रवीना गुस्से से घर से बाहर चली गई। उसके जाने के बाद पूरे घर में सन्नाटा पसर गया। रवि एकदम शांत था, कमला कुछ बोलने की हालत में ही नहीं थी, और कवि के हाथों में जो 100 रुपए का नोट था वो उसे किसी पत्थर से भी भारी लग रहा था। ऐसे ही कई महीने गुजर गए। कवि की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, वो नौकरी के लिए हर जगह इंटरव्यू देने लगा था, पर उस बेचारे को बिना सिफारिश के नौकरी मिल ही नहीं रही थी। तो थक हार कर उसने एक पेट्रोल पंप पर काम करना शुरू कर दिया, और रवीना इस बात से भी चिढ़ गई। लो बताओ अब यही बाकी रह गया था, लोग क्या कहेंगे कि सीनियर क्लर्क रवीना का देवर सबकी गाड़ियों में पेट्रोल भरता है। तो क्या चाहती हो तुम, वो बेचारा घर में बैठे तो तुम्हें दिक्कत, अगर कुछ काम करे तो तुम्हें परेशानी। ए जी जरा सोच समझ कर बोलिए, अगर मैंने जरा हाथ तंग कर लिया ना तो आप और आपका पूरा परिवार परेशानी में पड़ जाएगा। बातें सुनाने में रवीना किसी को नहीं बख्शती थी, एक तो सीनियर क्लर्क की नौकरी, दूसरा अपने गोरे रंग रूप पर भी रवीना को बड़ा घमंड था। उसे हमेशा से यही लगता था कि रवि और उसका परिवार उसके लायक नहीं है, और जब कवि को भी कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल पा रही थी तो रवीना का घमंड सातवें आसमान पर पहुंच गया था। वक्त यूं ही बीतता रहा और फिर कविता पढ़ी लिखी और बहुत ही समझदार लड़की थी, लेकिन उसका रंग थोड़ा दबा हुआ था, लेकिन बावजूद इसके कवि को वो बहुत पसंद थी। और फिर अरे ये क्या रंग लिए हैं तुमने साड़ियों के, इतने चटक रंग तुम पर जचेंगे क्या। वो भाभी ये सब मेरी सहेली ने पसंद की थी, उसने कहा कि नई बहू पर चटकीले रंग अच्छे लगते हैं। लेकिन इन रंगों को पहनने के लिए खुद का रंग भी तो साफ होना चाहिए। लेकिन तुम माफ करना कविता, पर मेरे हिसाब से ये तुम पर अच्छे नहीं लगेंगे, बाकी अब खरीद लिए तो बस घर में पहनना, बाहर पहनकर मत जाना वरना सब मजाक उड़ाएंगे। रवीना हर रोज इस तरह कविता को नीचा दिखाने की कोशिश करती, लेकिन कविता उसकी इन बातों को दिल से नहीं लगाती थी। भले ही वो रूप रंग और कमाने के मामले में रवीना की बराबरी नहीं कर सकती थी, लेकिन घर के सारे कामकाज उसने बहुत अच्छे से संभाल लिए थे। फिर एक दिन जब कविता बाजार से सब्जियां खरीद कर लौट रही थी, तभी एक कार ने उसे टक्कर मार दी। जमीन पर बहुत तेजी से गिरने की वजह से कविता बेहोश हो गई। इसके बाद कार से एक अधेड़ उम्र का आदमी बाहर निकला और फिर, ड्राइवर जल्दी करो इसे अस्पताल लेकर जाना होगा। ड्राइवर और उस शख्स ने कविता को उठाया और उसे अस्पताल लेकर गए। गनीमत थी कि कविता को ज्यादा चोटें नहीं आई थी, हालांकि शॉक की वजह से वो अब भी बेहोश थी। कार से उतरने वाले शख्स का नाम अनूप था, जो देखने से ही काफी अमीर मालूम होता था। वो कविता को अस्पताल से अपने बड़े से घर में लेकर गया, जो वाकई बहुत शानदार था। फिर कविता के होश में आते ही, अब मैं कहाँ हूँ। बेटी तुम मेरे घर में हो, मेरा नाम अनूप ग्रोवर है, मेरी कार से ही तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ, आई एम सॉरी। कोई बात नहीं सेठ जी, मैं ठीक हूँ, लेकिन अब मुझे चलना होगा, मुझे अपने घर जाना है। हाँ बेटी, मेरा ड्राइवर तुम्हें छोड़कर आएगा, पर उससे पहले मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। तुम्हारे हाथ पर ये सितारे, जब मैं छोटी थी तब मेरी मम्मी ने ये 3 तारे मेरे हाथ पर बनवाए थे। वो कहती थी कि एक तारा उनका है, एक मेरा और एक मेरे पापा का। क्या, तो तुम्हारे पापा वो कहाँ हैं, और तुम्हारी माँ? मुझे नहीं पता, मैंने अपने पापा को कभी नहीं देखा, वो मुझे मेरे बचपन में ही छोड़कर चले गए थे, और मेरी माँ वो भी मेरी शादी से ठीक पहले मुझे अकेला छोड़कर चली गई। इतना कहकर कविता रोने लगी। ये सच था, कविता सबकी नजर में अनाथ थी, लेकिन सच इससे काफी अलग था। तुम्हारी माँ का नाम मालती था? हाँ यही नाम था उनका, लेकिन आपको कैसे पता? क्योंकि मैं ही वो बदनसीब बाप हूँ बेटा, जिसके होते हुए भी तुम्हें और तुम्हारी माँ को इतने दुख झेलने पड़े, मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची। इतना कहकर अनूप फूट फूट कर रोने लगा, और फिर रोते हुए ही उसने अपनी आस्तीन ऊपर की।
कविता ये देखकर चौंक गई कि अनूप के हाथ पर भी ठीक उसी की तरह 3 सितारे बने हुए थे। ये सितारे भी मालती के कहने पर ही मैंने बनवाए थे। जब मैं जवान था तो तुम्हारी माँ हमारी फैक्ट्री में काम करती थी। मुझे मालती से प्यार हो गया और हमारे प्यार की निशानी तुम हो बेटी। मैंने लाख कोशिश की लेकिन मेरा परिवार मेरी और मालती की शादी के लिए तैयार ही नहीं हुआ और मैं भी उनके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। मैं मालती को नहीं अपना सका और फिर उसके सामने जाने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाया। इतना कहकर अनूप फूट फूट कर रोने लगा। आंसू कविता की भी आंखों में थे पर अपने पिता को पहली बार देखकर उसका दिल पसीज गया और उसने अनूप को माफ कर दिया। फिर कुछ दिनों के बाद ग्रोवर एंटरप्राइजेस की टाउन हॉल मीटिंग में वहां के सारे कर्मचारी खड़े थे। तभी इस कंपनी के डायरेक्टर अनूप ग्रोवर ने आगे बढ़कर सबसे कहा, मिलिए ग्रोवर एंटरप्राइज की नई CEO और मेरी बेटी कविता से। अनूप की बात सुनकर सब खुश थे सिवाय एक कोने में खड़ी रवीना के। जिस देवरानी के काले रंग रूप का वो अब तक मजाक उड़ाती आई थी अब वही उसकी वो बॉस बन चुकी थी जिससे डायरेक्ट मिल पाना भी उसके बस में नहीं था। कविता की तरफ हर कोई बड़ी उम्मीदों से देख रहा था लेकिन रवीना में उससे नजरें मिलाने तक की हिम्मत नहीं थी। हर कोई कविता के लिए तालियां बजा रहा था और तालियों की इस गड़गड़ाहट में किसी को भी रवीना के घमंड के टूटने की आवाज तक नहीं आई। अजय और विजय दोनों भाई शहर में रहते थे। उनके माता पिता शुरू से ही गांव में रहते थे पर अजय ने जब शहर में कपड़ों की फैक्ट्री खोली तो उसने विजय को भी अपने पास शहर बुला लिया। अजय की शादी को 2 साल हो चुके हैं और 15 दिन पहले ही विजय की भी शादी हुई है। अजय की पत्नी शोभा बहुत ही चंट स्वभाव की है जबकि रेणुका बहुत ही सीधी है। रेणुका की नई नई शादी हुई है इसलिए वो अपनी जेठानी के स्वभाव को नहीं जानती। रेणुका की सास उसकी जेठानी शोभा के स्वभाव को जानती है पर अभी रेणुका नई नई थी इसलिए वो उसे इस बारे में नहीं बताना चाहती थी। शोभा, मैंने तुम्हें रेणुका के लिए 2 नए तौलिये रखवाए थे पर पूरी अलमारी छान मारी कहीं नजर ही नहीं आ रहे। रेणुका बहू अपने मायके से लाया हुआ तौलिया ही इस्तेमाल कर रही है। मैं सोच रही थी उसे वो 2 नए तौलिये भी दे दूं। क्या आप वो 2 नए तौलिये रेणुका को देने के लिए लाई थी? मुझे क्या पता माँ जी, पर शादी की भागदौड़ में मुझे कुछ याद ही नहीं रहा। मैंने तो वो 2 नए तौलिये इस्तेमाल कर लिए, मेहमान आ गए थे तो उन्हें दे दिए। अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं बाजार से रेणुका को नए ले दूंगी। वैसे भी उसके लिए थोड़े घर पहनने के कपड़े दिलवाने जाना ही है। माँ जी आप क्यों चिंता करती हो, मैं रेणुका के साथ बाजार चली जाऊंगी और उसे उसकी पसंद के कपड़े दिलवा लाऊंगी। आपके घुटनों में दर्द रहता है ना, आप घर पर आराम करो। सास को पता था कि शोभा झूठ बोल रही है, उसने वो तौलिए अलमारी में छुपा कर रख दिए होंगे पर वो उस वक्त चुप हो जाती है। कुछ देर बाद रेणुका अपनी जेठानी शोभा के साथ बाजार के लिए निकलने लगती है तभी उसकी सास उसे खर्चे के लिए पैसे देती है पर रास्ते में बहाने से रुपए शोभा मांग लेती है। रेणुका वो माँ जी ने तुम्हें जो पैसे दिए थे वो मुझे दे दो। ऐसा है ना, तुम्हें यहाँ के दुकानदार जानते नहीं है, मैं तो उनसे अपने हिसाब से मोल भाव कर लूंगी पर तुम्हारे पास पैसे देखकर वो ज्यादा मांग लेंगे। अब मैं दुकानदारों के सामने तुमसे ये तो नहीं कहूंगी कि रेणुका पैसे दो। हाँ हाँ भाभी ये लो, ये 5,000 रुपए माँ जी ने दिए थे। ये तो बहुत ज्यादा है, मैं तुम्हें सस्ती शॉपिंग कराऊंगी, चलो यहाँ पास में ही सस्ता बाजार लगता है वहाँ चलते हैं। शोभा चालाक तो थी और रेणुका बहुत ही शरीफ। चुपचाप जैसा जैसा शोभा ने कहा रेणुका ने वैसा ही किया और शोभा ने रेणुका को सस्ते बाजार से फर्म में मिलने वाले कपड़े दिलवा दिए। रेणुका ने बचे हुए रुपए मांगने की हिम्मत ही नहीं की और शोभा मन ही मन खूब खुश हो रही थी। आज तो मेरी लॉटरी लग गई, 2,000 रुपए के कपड़े दिलवाकर 3,000 रुपए मैंने अपनी जेब में डाल लिए। अब इन रुपयों से मैं अपने लिए अच्छी सी बनारसी साड़ी खरीदूंगी। आज तो मेरी लॉटरी लग गई। घर आकर रेणुका ने जब अपनी सास को कपड़े वगैरह दिखाए तो वो समझ गई कि इस बार भी शोभा ने चालाकी कर ही ली पर सास अब उसे क्या ही कहती। शोभा की चालाकी अब रेणुका के आने के बाद और बढ़ती जा रही थी, वो रेणुका का बहुत फायदा उठाती थी। रेणुका एक काम करो, आटा गूंथ कर रोटियां तुम सेक लो, मैं तब तक सब्जी को छौंक लगाती हूँ। शोभा बहू इतनी गर्मी हो रही है, तुमने रेणुका को आटे गूंथ कर रोटियां सेकने के लिए खड़ा कर दिया, कुछ तो सोचा करो। माँ जी आप तो ऐसे कह रही है जैसे मैं रेणुका पर जुल्म ढा रही हूँ। अभी मैं सब्जी बनाकर आई हूँ, सारी रसोई साफ करी है, रखे हुए बर्तन मांजने हैं। अब 2-4 रोटियां रेणुका सेक भी लेगी तो कौन सा उसके हाथ घिस जाएंगे।
माँ जी कोई बात नहीं, मुझे तो रोटी बनाना अच्छा लगता है, मैंने रोटियाँ बना दी हैं। अच्छा हुआ भाभी ने मुझे रोटियाँ बनाने के लिए कह दिया। सास क्या बोलती, वो चुप हो जाती है। अब तो रेणुका शोभा के आगे बिल्कुल भी नहीं बोलती थी, इसलिए शोभा के भाव और चढ़ गए। शोभा की चालाकी सिर्फ घर के कामों में ही नहीं दूसरे कामों में भी रहती थी। वो फैक्ट्री की कमाई के बारे में भी अपने पति से बात करती रहती थी। सुनो जी, अब रेणुका और विजय का खर्चा भी इसी फैक्ट्री से चल रहा है, तो आपने क्या सोचा है, किस तरह से हिसाब कर रहे हो आजकल? हिसाब क्या करना है शोभा, सब कुछ हम दोनों भाइयों का ही है, हम दोनों भाई अलग थोड़ी हैं। बस इसी बात का मुझे डर था, तुम बहुत सीधे हो। तुम्हें पता भी है विजय ने शादी के बाद रेणुका को बाहर घुमाने के लिए कितने पैसे निकाले थे, और उसके बाद अभी मुझे पता चला है उसने रेणुका को सोने के नए कंगन भी बनवा कर दिए हैं। गया तो सब फैक्ट्री से ही है ना। अरे तो क्या हो गया शोभा, मैंने भी तो तुम्हें विजय की शादी में जड़ाऊ कंगन खरीद कर दिए थे ना, वो भी तो उसी फैक्ट्री में से गए थे। तुम ऐसे नहीं मानोगे, मुझे ही कुछ सोचना पड़ेगा। और हाँ, घर खर्च के पैसे खत्म हो गए तो मुझे 20,000 रुपए दे देना, मुझे घर का राशन और सामान लाना है। ठीक है, कल सुबह दे दूंगा। अगले दिन फैक्ट्री जाने से पहले अजय विजय को बुलाता है। विजय, मैंने तुम्हें बैंक में जमा कराने के लिए जो कैश दिया है उसमें से 20,000 रुपए अपनी भाभी को दे दो, शोभा ने घर का राशन और सामान लाना है। भैया इसमें 5,000 रुपए कम है, वो हमारे कमरे की अलमारी छोटी पड़ती थी, इसलिए मैंने सोचा कि हम अपने कमरे के लिए नई अलमारी खरीद लें। हाँ तो कोई बात नहीं, खरीद लाओ और बाकी के पैसे शोभा को दे दो। ये अच्छी बात है, मेरे कमरे की अलमारी जंग खा रही है, मैंने तो आज तक अपने कमरे की अलमारी नहीं बदली, और तुम नई अलमारी लेने की बात कर रहे हो। तुम दोनों सही हो, और माँ जी मैं देख रही हूँ कि आजकल आप रेणुका को बहुत सपोर्ट कर रही हो। नहीं बहू, ऐसी कोई बात नहीं है, रेणुका के दहेज में अलमारी नहीं आई थी और हमने भी उसे अलमारी नहीं दी, मैंने सोचा कि हम नई अलमारी ही खरीद देते हैं, इसमें इतना बुरा मानने वाली कौन सी बात है। अगर ऐसी बात है तो मैं भी अपने कमरे के लिए नई अलमारी खरीदूंगी। माँ जी वो 2 दिन बाद मेरा जन्मदिन है ना, तो मम्मी ने मुझे अलमारी देने के लिए पहले ही बोल दिया था, मम्मी मुझे इस बार जन्मदिन पर अलमारी दे रही है। अच्छा तो फिर एक काम करो बहू, तुम ये पैसे संभाल कर रख लो, इससे तुम अपने लिए कुछ और खरीद लेना, अब हमें तुम्हें जन्मदिन का कुछ न कुछ तो देना ही था। शोभा का मुंह जरा सा रह जाता है, क्योंकि अब अलमारी के लिए रीस करने का कोई फायदा नहीं था, और जो रुपए रेणुका को मिले थे वो उसके जन्मदिन के उपहार स्वरूप थे। अब तो शोभा रेणुका की शराफत का बहुत फायदा उठाने लगी थी, वो उससे लड़ाई के बहाने ढूंढती थी। रेणुका, मैंने तुम्हें रसोई का चूल्हा और स्लैब साफ करने के लिए बोला था, पर तुमने ऐसे ही छोड़ दी। शोभा भाभी, मैं मशीन से कपड़े निकाल रही थी इसलिए मुझे समय नहीं मिला, मैं अभी साफ कर देती हूँ। मुझे आज शादी में ना जाना होता तो मैं तुमसे एक बार भी इस काम के लिए ना कहती, पर मजाल है कि मेरे करे बिना कोई काम ठीक से हो इस घर में। शोभा बड़बड़ाती हुई कमरे में तैयार होने जा रही थी कि अचानक आंगन में फैले पानी पर उसका पैर फिसल जाता है और वो धड़ाम से गिर जाती है। आह मेरी कमर। रेणुका और सास दौड़ती हुई शोभा के पास जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया। माँ जी आप उधर से पकड़ो, आराम से भाभी को बिस्तर पर ले चलते हैं। शोभा की कमर में बहुत दर्द हो रहा था और वो दर्द से चिल्ला रही थी। कुछ देर बाद अजय और विजय भी घर आ जाते हैं। शोभा की कमर का मांस फट गया था जिस कारण वो उठ भी नहीं पा रही थी। रेणुका और उसकी सास घर का सारा काम करते हैं और शोभा की देखभाल भी पूरी तरह से की जाती है। भाभी अब कैसा लग रहा है, मैंने अच्छे से कमर पर दवाई लगा दी है, आप आराम से सो जाओ, मैं आपके लिए खिचड़ी बना देती हूँ, फिर थोड़ी देर बाद उठकर खा लेना। रेणुका जाने लगती है तभी शोभा ने उसका हाथ पकड़ लिया और रो पड़ी। उसको रोता हुआ देखकर उसकी सास भी आ जाती है और उसे चुप कराती है। रेणुका तुम बहुत अच्छी हो, माँ जी मुझे माफ कर दो, मैं आपकी अच्छी बहू नहीं बन सकी। पागल है क्या, ऐसी बातें क्यों बोलती है, तू बहुत अच्छी है बहू, चल चुप हो जा नहीं तो और तबीयत खराब हो जाएगी। शोभा की आंखों में पश्चाताप साफ दिखाई दे रहा था। उसको समझ आ जाता है कि चालाकी से हम किसी का दिल नहीं जीत सकते, दिल तो शराफत और